सो गाइज आज तक आप जितने भी तरीकों से फेसबुक के ऊपर वीडियो अपलोड करते आए हो वो गलत तरीका है, वो पुराना तरीका है, इसी कारण से आपका वीडियो वायरल नहीं हो रहा। भैया ये 2023 चल रहा है, अभी के तौर पे फेसबुक में काफी कुछ बदलाव हुआ है और बहुत ज्यादा नए नए अपडेट आए हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सही तरीका सिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से हम अपने वीडियो को उसके सिस्टम में फंसाएंगे, उसके एल्गोरिदम में फंसाएंगे, जिससे हमारा वीडियो वायरल होगा। भैया जब तक आपको सही तरीका ही नहीं मालूम रहेगा पोस्ट करने का, तब तक आप कितनी भी अच्छी वीडियो क्यों ना बना लो, आपका वीडियो कभी वायरल नहीं होगा। अगर आप पुराने क्रिएटर स्टूडियो से वीडियो को पोस्ट करने जाते हो तो आपके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए। पहला तो आपके सामने पब्लिश का ऑप्शन नहीं आएगा, दूसरा आपका वीडियो काफी लंबे समय तक प्रोसेसिंग होते रहेगा, फिर वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, कभी आपका वीडियो ही नहीं वायरल होगा, कभी आपके मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, और भी बहुत सारे बग्स का प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में इसका सोल्यूशन लेके आया और किस प्रकार से वीडियो अपलोड करने का वो सही तरीका क्या है वो भी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा, और साथ ही साथ फेसबुक पेज के ऊपर वीडियो वायरल कैसे किया जाता है उसका ट्रिक भी मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ज्यादा नॉलेजफुल होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखिएगा, जिससे आपका ही बेनिफिट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां से आपको डिटेल में समझाने के लिए मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है, जो कि इस साइड चल रहा होगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे चले जाना है। गूगल क्रोम पे जाने के बाद देखिए भैया, आज के इस वीडियो में आपको दो तरीका सिखाऊंगा और लास्ट में एक ऐसा सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा जिससे इनफैक्ट सभी बड़े बड़े क्रिएटर अपने वीडियो को वायरल करते हैं। ठीक है, गूगल क्रोम खोलने के बाद सबसे पहले आपको क्रिएटर स्टूडियो लिखकर सर्च करना है। अब बोलोगे भैया ये क्या बता रहे हो, आप तो फिर से क्रिएटर स्टूडियो पे ले जा रहे हो, तो ऐसा बात नहीं है, ये क्रिएटर स्टूडियो पे नहीं जाएगा। देन जैसे ही आप उसपे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, बिजनेस मेटा सूट, ठीक है, जो कि फेसबुक का नया नया अपडेट है। अब भैया अब क्रिएटर स्टूडियो खत्म हो चुका है, ये नया तरीका है, ठीक है, वो जो आप क्रिएटर स्टूडियो से वीडियो पब्लिश कर रहे थे वो पुराना तरीका था, ठीक है, वो बदल गया है, फेसबुक का एल्गोरिदम वगैरह सब बदल गया है। तो भैया आपने फेसबुक के क्रिएटर स्टूडियो को मेटा सूट में कैसे कन्वर्ट करना आप ये वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा, मैंने 2-4 दिन पहले ही आगाह कर दिया था। अगर आपका कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो उसके लिए मैं आपको मोबाइल से अपलोड करने के लिए दूसरा तरीका सिखाने वाला हूं, ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा, ये तरीका आप सीख लीजिए, ये आपको बहुत ज्यादा काम देने वाला है, ठीक है। तो क्रिएटर स्टूडियो में आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए आपके सामने यहां पे क्रिएट ए पोस्ट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। देन जैसे ही क्रिएट ए पोस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देन यहां से क्या है, एड फोटो, एड वीडियो एंड यूज टेम्पलेट। तो हमको क्या करना है कि भैया हमको वीडियो अपलोड करना है, ठीक है, तो सिंपली हमको ऐड ए वीडियो पे क्लिक करके यहां से क्या कर रहा है, अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने आपका टोटल वीडियो खुल के आ जाएगा, ठीक है, तो यहां से आपको जो भी वीडियो पब्लिश करना है यहां से आप वो वीडियो सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही वीडियो को सिलेक्ट कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देखिए यहां पे मीडिया में आपका वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो गया है, जो कि मेरा 10% वीडियो अपलोड हो गया है, ठीक है। सबसे पहले यहां से देखिए आपके सामने वीडियो का टाइटल लिखने के लिए आ जाएगा, तो आपको अपना वीडियो का टाइटल लिखना है 60-70 वर्ड के बीच में, उससे छोटा रहे बट उससे लंबा नहीं होना चाहिए, और अपना वीडियो का टाइटल अपने वीडियो से रिलेटेड लिखिएगा लेकिन क्लिकबेट लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहां से लिख रहा देता हूं क्लिकबेट थोड़ा सा। अपने वीडियो के टाइटल को लिखने के बाद, ठीक है, यहां से आपको क्या करना है कि आपको अपना पेज का नाम भी लिख देना है। तो मेरा पेज का क्या नाम है, बादशाह गोल्डन ब्लॉग, ठीक है, बादशाह गोल्डन ब्लॉग। देन बादशाह गोल्डन ब्लॉग लिखने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहां से टाइटल मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। टाइटल लिखने के बाद यहां से आपको अब क्या करना है कि अब आपको अपना डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो सिंपली टाइटल को कॉपी पेस्ट करके सिंपली डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, या फिर अगर आप और अच्छे से चाहते हैं तो अपने डिस्क्रिप्शन को दर्शा सकते हैं। तो चलिए मैं यहां से थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर देता हूं और इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, ठीक है। इसको लिखने के बाद सिंपली अब यहां से क्या कर रहा है, नीचे में यहां से थंबनेल का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, तो सबसे पहले चूज योर सजेशंस, सबसे पहले आपके वीडियो से ही कुछ पार्ट जो है क्रॉप करके यहां से आपको फेसबुक आपके सामने थंबनेल शो कर देगा। तो यहां से अगर आप चाहोगे तो कोई सा भी थंबनेल को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर यहां से अपलोड है इमेज पे क्लिक करके यहां से कोई सा भी इमेज को आप अपलोड कर सकते हो। तो चलिए मैं यहां से मान लीजिए एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए यहां से मैं अपने कोई भी इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां से इमेज को सिलेक्ट करने के बाद यहां से देखिए आपके सामने सी मोर का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, टैग एंड कोलाबरेशन। तो यहां से क्या कीजिएगा कि टैग वाले ऑप्शन को ऑन कीजिएगा और यहां से अपना टैग को जो भी है कम से कम 10 गो टैग आपको लिख लेना है, ठीक है। तो कोलकाता,
टैग को लिख लेना है। टैग को लिखने के बाद अब आपको क्या करना है कि नीचे में देखिएगा, एकदम सबसे नीचे में जाइएगा तो यहां से आपके सामने एक नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो देन आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपके सामने आपका वीडियो का जो भी एनालिटिक्स है वो आ जाएगा, कैप्शन आ जाएगा, वहां से उसको टिक रहने दीजिएगा। और यहां से आपका अगर मोनेटाइजेशन ऑफ रहेगा तो सिंपली मोनेटाइजेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए यहां से मैं अपने मोनेटाइजेशन को ऑन कर देता हूं। मोनेटाइजेशन को सब कुछ ऑन करने के बाद फिर से आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपने वीडियो को नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। पब्लिश नाउ, पब्लिश नाउ का क्या मतलब होता है? पब्लिश नाउ का मतलब होता है कि अभी पब्लिश कीजिएगा। यहां से एक ऑप्शन आ जाएगा शेड्यूल एंड ड्राफ्ट। अगर आपने वीडियो को शेड्यूल मारिएगा तो जितना टाइम पे मारिएगा उतना टाइम पर आपका वीडियो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। तो यहां से मैं राइट नाउ पब्लिश करता हूं, तो पब्लिश नाउ पे जैसे ही मैं यहां पे पब्लिश करता हूं तो मेरा वीडियो सिंपली पब्लिश हो जाएगा और मेरा वीडियो सिंपली पोस्ट हो जाएगा। कि भैया मेरे में तो फेसबुक मेटा बिजनेस सूट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है और मैं अपने वीडियो को पब्लिश करना चाह रहा हूं लेकिन क्रिएटर स्टूडियो के मोबाइल ऐप से करता हूं तो मेरा वीडियो प्रोसेसिंग में जाकर अटक जा रहा है और मेरे वीडियो पोस्ट नहीं हो पा रहे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहां से ऐप को डाउनलोड करना है, मेटा बिजनेस सूट, ठीक है। यहां से देखिए 79 MB का एप्लीकेशन है, सिंपली आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो जरूर कर सकते हैं। फाइनली ये मेरा जो है इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद सिंपली ओपन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको ओपन कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा और जो भी आपका फेसबुक आईडी में लॉगिन रहेगा देन यहां से आपको अपना प्रोफाइल लॉगिन कर लेना है जिससे आपने पेज को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो सिंपली जैसे ही मैं यहां पे कंटिन्यू टू बादशाह गोल्डन को लॉगिन करता हूं यहां से मेरे सामने जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। स्टार्ट टूर पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही स्टार्ट टूर पे क्लिक कीजिएगा यहां से आपको नेक्स्ट करना है, फिर से अगर आपके सामने नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा फिर से देन नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, फिर यहां से सिंपली आपको डन कर देना है। डन करने के बाद यहां से देखिए आपके सामने एक प्लस वाला आइकॉन आ जाएगा, देन प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहां से पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट पे क्लिक करने के बाद यहां से जो भी आप पेज पे वीडियो अपलोड करना चाहते हो यहां से आपको पेज को सिलेक्ट करना है। पेज को सिलेक्ट करने के बाद यहां से अपलोड ए वीडियो पे जाना है, यहां से अलाउ एक्सेस देना है। एक्सेस अलाउ देने के बाद यहां से आपके सामने आपके गैलरी में जितने भी वीडियोस हैं सभी के सभी वीडियो जा जाएंगे। तो यहां से वीडियो को चूज करने के बाद यहां से अपना जो भी टाइटल लिखना चाहते हो यहां से आपको अपने टाइटल को लिख के वीडियो को सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करके यहां से आप अपने वीडियो को पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। बात कर लेते हैं कि देखिए भैया आप वीडियो तो बनाते हैं लेकिन वीडियो चलता है स्क्रिप्टिंग फेसबुक पे, ठीक है। वीडियो आप लोग जैसे तैसे बना देते हो फिर बोलोगे भैया मेरे वीडियो वायरल क्यों नहीं हो रहे, तो भैया जब तक फेसबुक पे कुछ यूनिक नहीं करोगे ना तब तक आपका वीडियो वायरल नहीं होगा। अगर देखिए फेसबुक पे अभी एक चीज चल रहा है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई भी, ठीक है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाकर आप अगर आप दमदार वीडियो शूट करोगे मार्केट प्लेस में भीड़ भाड़ जगह पे कहीं पे भी अगर आप जाकर वीडियो शूट करोगे अगर आपका वीडियो कंफर्म वायरल हो जाएगा। अगर आपके वीडियो में दम ही नहीं रहेगा तो भैया आपका वीडियो वायरल कहां से होगा। देखिए वीडियो वायरल करने के लिए एक तरीका होता है, वीडियो वायरल करने के लिए आपका जो वीडियो का सबसे जो हाईलाइट पार्ट है उसको आपको वीडियो के आगे में लगा देना और हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना। अभी भागेश्वर धाम सरकार ट्रेंडिंग टॉपिक है, इस पर आप वीडियो फाइंड करके बना सकते हो। अगर आप वीडियो बनाते हो अपने कैटेगरी के हिसाब से तो आपका वीडियो कंफर्म वायरल होगा क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक को लोग इतना ज्यादा सर्च करते हैं, इतना ज्यादा सर्च करते हैं उसको फेसबुक ऑटोमेटिक रिकमेंड करने लगता है, ठीक। तो कभी किसी अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे कि वीडियो किस प्रकार से वायरल किया जाता है, उसका ट्रिक क्या है, उसका मेथड क्या है, मैं सारा पोल खोल दूंगा किसी वीडियो में अगर आप कमेंट कीजिएगा तो, कि भैया हमको ट्रेंडिंग टॉपिक कहां से फाइंड करना है, उस पर कैसे वीडियो बनाना है, कैसे पोस्ट करना है, एक डिटेल में वीडियो बना दो। तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, एक कमेंट तो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।